गाइस, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। अभी तक आपने बहुत सारे कैटेगरी की मूवीज देखा होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा अच्छा आपको हॉरर कैटेगरी की मूवीज पसंद है। सो दैट्स व्हाई आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा टॉप 6 हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवीज जो सबसे बेस्ट है। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल में अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो बिना किसी देर करके लेट्स गेट स्टार्टेड वीडियो। नंबर 6 में आते हैं जेसाबेल। ये मूवी आई थी 2014 में, एक सुपर नेचुरल हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवीज। इस मूवी के अंदर बार बार के हॉरर मिस्ट्री थ्रिल देखने के लिए मिल जाएगी। तो बात करें इस मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में, इस मूवी की स्टोरी बेस्ड है जेसी नाम की एक लड़की के ऊपर, जो एक्सीडेंट में पति और बच्चे को खो देते हैं और उसके दोनों पैर भी काम नहीं करते। एक्सीडेंट के बाद जेसी अपने पिता के साथ अपने पुराने घर में रहने के लिए आ जाती है, जहाँ उसे अपनी मरी हुई माँ की कुछ वीडियो टेप्स मिलती है, जिसमें जेसी की माँ जेसी को बताती है उस घर में कोई बुरी आत्मा है। आगे की कहानी आप लोग खुद ही देख लेना। नंबर 5 की बात कीजिए, नंबर 5 में आती है साल 2006 में रिलीज हुई द वुमेन। जी हाँ दोस्तों, द वुमेन एक हॉरर मूवीज, और इस मूवी की स्टोरी रॉबर्ट और कैथरीन नाम के एक कपल की है, जो एक बच्चे को गोद लेते हैं और उस बच्चे के नाम डेमियम रखती है। डेमियम घर में आने के बाद उस घर में शुरू होती है अजीब चीजें, लेकिन कहानी में दमदार ट्विस्ट तब आती है जब किसी ने रॉबर्ट को बताती है डेमियम एक शैतान के बेटे है। फिर रॉबर्ट को पता चलती है डेमियम के सारे डार्क और हो गया है। ये सब कुछ आप लोग इस मूवी के अंदर ही देख लेना। नंबर 4 में आती है साल 2018 में रिलीज हॉरर थ्रिलर मूवी जिसका नाम है ट्रूथ और डेयर। इस मूवी को IMDb की तरफ से 5.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। इस मूवी की स्टोरी की बात की जाए, इस मूवी की स्टोरी बेस्ड है कुछ दोस्त के ऊपर, जो वेकेशन बिताने के लिए मेक्सिको जाता है, जहाँ उसे एक अनजान शख्स मिलती है जो उन्हें ट्रूथ और डेयर खेलने के लिए बोलती है, और उन सारे लोग मिल के ट्रूथ और डेयर गेम खेलते भी है। उसके बाद उन लोग वेकेशन बिता के घर पे भी आ जाती है। मूवी के अंदर ट्विस्ट तब आती है जब उनको पता चलती है उनकी लाइफ में अभी भी उस गेम कंटिन्यू हो रहा है। तो अब उन लोग क्या करती है, सब कुछ इस मूवी के अंदर आप लोग देख सकती है। नंबर 3 में आते हैं साल 2005 में रिलीज हुई द अमिटीविले हॉरर। जी दोस्तों, द अमिटीविले हॉरर। इस मूवी की स्टोरी की बात कीजिए, इस मूवी की स्टोरी जॉर्ज और कैथी की है, जो अपने 3 बच्चों के साथ एक नए घर में रहने के लिए आ जाती है। फिर उनके साथ शुरू हो जाती है खतरनाक घटना। आखिर क्या है सीक्रेट उस घर का, सब कुछ इस मूवी के अंदर आप लोग देख लेना। इस मूवी को IMDb की तरफ से 6 out of 10 की रेटिंग मिली हुई है, और ये मूवी हॉरर कैटेगरी की सबसे बेस्ट मूवीज है। हमारी नेक्स्ट मूवी डेविल। ये मूवी आई थी 2010 में। तो बात करें मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में, इस फिल्म की स्टोरी 5 लोगों की है, जो एक दिन एक बिल्डिंग की लिफ्ट में फंस जाती है, और इन सभी लोग एक दूसरे को नहीं जानती है। कहानी में ट्विस्ट तब आती है जब इन लोगों को लिफ्ट में रहस्यमय हत्या हो जाती है, और इन लोग एक दूसरे पे शक करने लगती है। अब उस लिफ्ट में कौन उन लोगों को मार रहा है और क्यों मार रहा है, वही आपको इस फिल्म में देखने के लिए मिल जाएगी। इस मूवी को IMDb की तरफ से 6.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है, और मूवी के अंदर हमें बार बार एंड तक हॉरर थ्रिल सस्पेंस देखने के लिए मिल जाएगी। हमारी आखिरी मूवी डेड साइलेंस। ये मूवी आई थी 2007 में। तो बात करें मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में, इस मूवी की स्टोरी जैमी नाम के एक आदमी की है, जिसकी वाइफ की बुरी तरफ से रहस्यमय हत्या हो जाती है। जैमी एक पपेट को उसकी वाइफ की हत्या दर मानती है। तो अब वो पपेट कहाँ से आया, उस पपेट को किसने बनाया और क्या सीक्रेट है उस पपेट की, सारे मिस्ट्री और रहस्य आपको इस मूवी के अंदर देखने के लिए मिल जाएगी। और ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में भी अवेलेबल है, और इन सभी मूवीज हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है, और इसको IMDb की तरफ से 6.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होंगे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कीजिए एक लाइक, चैनल में पहली बार हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और पास में जो बेल आइकॉन दिखाएगी उसको कर देना है। और वीडियो के एंड में मैं एक ही बात बताना चाहूंगा, इन सभी मूवीज को एक बार आप लोग जरूर देख लेना। मैं मिलता हूं आप लोगों के साथ फिर किसी नए वीडियो पर। वीडियो शुरू से एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।